नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना और आप मेरे साथ देख रहे हैं रूरल कंठ समाचार। इस समय उत्तर प्रदेश के रामपुर से कैसी खबर आ रही है, जहां एक बिजली कर्मचारी था, जो संविदा कर्मचारी था, जो बिजली के बताया जा रहा है कि बिजली के पोल पर कुछ काम कर रहा था कि अचानक बिजली करंट आ गया और करंट लगने से उसकी मौत हो गई। और मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया, जैसा कि आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जब उसका जो कर्मचारी था, संविदा कर्मचारी, उसकी मौत हुई और घर वालों को जब पता चला है तो घर वालों ने किस तरह से हंगामा कर रहे हैं, आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहीं पुलिस भी पहुंची, पुलिस ने समझाने का प्रयास किया है। बहरहाल देखिएगा एक रिपोर्ट कि कैसे उनकी मौत हुई, क्या कर रहे हैं परिवार और पुलिस क्या आश्वासन दे रही है और घर वालों का क्या आरोप है। देखिएगा एक रिपोर्ट। कोई सुनवाई नहीं थी, 3 घंटों से कोई सुनवाई नहीं थी। और अब यहाँ पर धाराओं में सर समुचित कार्यवाही होनी चाहिए, गरीब पक्ष समझ के नहीं होना चाहिए। बस आप खुद संज्ञान लें सर। भैया कोई अधिकारी नहीं आ गया, कोई 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 दो उस बंदे ने वो अधिकारी कई हादसे हो चुके, एक नहीं हुआ ना। हम कुछ नहीं कर रहे सर, हम तो हमारी मांग ये है कि वो यहाँ पे अधिकारी है जिन लोगों के लिए ये जय साहब के लिए रातों को फोन करके खुली हुई थी और ये चढ़ गया, हमने सबके लाइन में बंद करना पड़ा, लाइन बंद नहीं हुई और क्या नाम है ये जो है इसके साथ में हादसा हुआ और सबके रात में ये लाइन मैन का काम है, ये पेट्रोल मैन है, लाइन मैन का काम है, सरकारी आदमी का काम ये प्राइवेट है। सरकारी आदमी जो है आराम से घर में रात को लेट रहे हैं और प्राइवेट आदमी को सूली पे चढ़ा दिया और लाइन में लाइन भी रात को खोलता है, वही बुजुर्ग है, वही प्राइवेट है। तो तब तक सरकारी आदमी का काम है, वो आराम से घरों में सो रहा है, बेफिक्र होकर सो रहा है और देखो इसकी डेड बॉडी है, उसको यहाँ वो अभी तक कोई नहीं आया ना कोई आया। ये हादसा हुआ किस जगह था? ये मिस्टरगंज का हादसा है बताया जा रहा है, जिनको हम भी सो रहे थे हमें भी नहीं पता, सुबह 7 बजे का वापस। तो बिजली खुली हुई थी क्या? बिजली यही बंद करवाता है, यही खुलवाता, पर ये बताओ मरा हुआ आदमी कैसे खुलवा देगा लाइन, जब बंद करवागा जब भी तो बंद होगी, ये खुल कैसे गई लाइन, भी राखाओं पे चढ़ा हुआ ये बंदा, आप देखिए इसकी कंडीशन। कौन से बिजली घर में है और कहाँ पर रहते हैं? ये बेरियान मोहल्ले में रहते हैं। नवेद बोल दिया असद खान। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुजाहिद है। कब से तैनात थे बिजली घर में? ये तो बहुत टाइम से, जब तक मेरे भाई का पहले वाला हादसा हुआ था जब तो हम लोगों ने छोड़ दिया था, कोई बात नहीं अल्लाह ने उसको जिंदगी बख्श दी। अब इसके साथ में हादसा हुआ, इसको बेचारा यदि छोड़ देंगे और इसको ऐसे हम नहीं छोड़ेंगे जब तक इसको साथ में कोई इंसाफ नहीं होगा, जब तक कोई आएगा नहीं और जय भी नहीं आएगा, जब तक कोई लिख के नहीं जाएगा कौन कौन रात को ड्यूटी पे था कौन कौन रात को नहीं था ड्यूटी पे, उसको भी आना चाहिए। अरे आराम से घरों में सो रहा हो, किसी की जान का कोई वाकिफ नहीं है, कोई जान कुछ नहीं है, तुम बंद कर लो भाई, आराम से सो रहा हो, बेखबर होकर सो रहा हो, सरकारी काम है सिर्फ रात को ड्यूटी करना, ये नहीं है चेक इन के तौर पर तो फौरन पहुंच जाते हो सरकारी, उस वक्त प्राइवेट क्यों नहीं लेकर जाते हो भाई? अभी मौत पे मोटर चला गया, ये मौत में चला गया, मर गया, ये किसकी लापरवाही है? ये पिछाड़ी इन लोगों की है, ड्यूटी वालों की, बिजली घर में ड्यूटी वाले जो है क्या मांग सरकारी वालों की है? आपकी मांग क्या है? मांग तो ये इसका था इंसाफ होना चाहिए, जो ये खत्म हो गया, कहाँ है कोई भी नहीं है, ना जाइए ना कोई है, दिखाओ आप, ये सरकारी आदमी है काम है ये काम करना, ये प्राइवेट का ही थोड़ी, प्राइवेट को सीढ़ी पकड़ने का काम है,
और पहली बात अगर सिडोन भी अगर आता है या बैग आती है तो मीटर से चेक होता है, मीटर में बैग आ रही है नहीं आ रही है, बगैर मीटर के उसको चढ़ा दिया ना। दास्तान है, दास्तान भी तो समझ लो धागे से सिले हुए सुइयों से ना। दो एक परसों रात का काम हुआ, रात को परसों रात काम कर दिया था, ट्रांसफार्मर में निकले दो जने, एक प्रीतम था और ये था, और रात को प्रीतम वही दोनों काम करते हैं। प्राइवेट कोई प्राइवेट सरकारी तो कोई करता नहीं है, प्राइवेट ही करते हैं काम। देखो नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रॉयल खंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।